हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज़ में हेयर फॉल की, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। जो कि हेयर फॉल के साथ साथ आपकी जो स्कैल्प है उसमें इचिंग होने लग जाती है, बहुत इची स्कैल्प हो जाती है, तो और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलती है। इचिंग की वजह से हमारा जो हेयर फॉल और बढ़ जाता है और वो इचिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे स्कैल्प पर इंफेक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो इचिंग की प्रॉब्लम हमें आने लग जाती है। तो गाइस, आज हम इसी प्रॉब्लम को के ऊपर बात करेंगे और इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल होगा एंड 100% रिजल्ट वाला होगा। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक सीरम जो कि बहुत ही सिंपल होगा, ओनली 2 इन्ग्रीडियंट्स से आप बना सकते हैं, वो भी सिंपल जो कि आपके किचन में मिल जाएंगे। वो चीज़ें उनसे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं और कैसे बनता है वो सीरम। इसके लिए गाइस हमें चाहिए होगी एक रेड अनियन और एक छोटा सा जिंजर का पीस। इन्हें हम काट लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसको छन्नी में डालकर इसका जो जूस है उसको ड्रेन कर लेंगे और ये जो इसका जो गूदा बचेगा गाइस वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सब्ज़ी या किसी भी चीज़ को बनाने में। बस आपको उसे फ्रेश यूज़ करना है, बासी रखा हुआ नहीं। ये हो गया है हमारा जूस तैयार। गाइस देखिए, जैसे भी आपके हेयर हों उसमें क्या करना है, आपको सिंपल कॉटन लेनी है और उसमें डिप कर करके आपको अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कैल्पर्स लगा लेना है और इसकी अच्छे से तकरीबन 10 मिनट आपको इसकी मसाज करनी है लगा देते हुए। इसमें जो दो इंग्रेडिएंट हमने लिए, जैसे कि हमने पहला लिया है अनियन। अगर मैं बात करूँ अनियन की, अनियन में जो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है अनियन में भरपूर मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है हमारी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में और उनकी और साथ में हमारी डेंसिटी को भी इम्प्रूव करने में। जैसे कि जैसे हमारे हेयर फॉल होता है उसके साथ साथ हमारे जो हेयर है वो थिन होते चले जाते हैं, तो इसकी मदद से जो जिंजर एंड हम अनियन जूस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी जो डेंसिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी और जो भी आपकी जो इन्फेक्शन वगैरह स्कैल्प पे होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो हेयर फॉल है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो गाइस, इसका 100% रिजल्ट है। इसको आपको रेगुलर बेसिस पे वंस इन अ वीक आपको लगाना है और इस तरीके से इस बालों को आपको टाई करके तकरीबन हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। सी गाइस, ये देखिए मैंने हेयर वॉश कर लिया था हाफ एन आवर रखकर एंड नाउ आप यू कैन सी दिस, कितने सॉफ्ट हेयर हो गए। बहुत ही इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बहुत ही सॉफ्ट हेयर हो जाएंगे आपको। बट बिल्कुल माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करना है, कोई भी हार्श शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना है और रेगुलर बेसिस पे इसको आप लगाएं और अपने बालों में आप खुद चेंज फील कर पाएंगे और जो भी आपकी स्कैल्प पर इन्फेक्शन होगा वो विद इन अ मंथ ठीक हो जाएगा। ये देखिए, और साथ के साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग जाएगी। होम रेमेडीज़ टाइम लेती हैं, इन्हें तकरीबन हमें मिनिमम 3 मंथ्स इस्तेमाल करना होता है तब हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आता है, लेकिन जो आपका इन्फेक्शन है स्कैल्प का वो उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। जल्दी फिर मिलूंगी, तब तक ले बाय बाय।